रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं सेवियां, दूध में ना, दूध वाली सेवियां बनाने जा रहे हैं, जो आमतौर पे ईद पे भी बनती हैं। वैसे भी गर्मियों में जो है ना, वो दोपहर में या रात में खाने के बाद अच्छी लगती हैं। तो इसमें हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालेंगे, कोई क्रीम या कुछ ऐसा नहीं डालेंगे। सिंपल सी बनाएंगे जो जल्दी, यानी कि आधे से पौने घंटे में या ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटे में बन जाएंगी। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब है। और ये सेवियों का जो है वो आधा पैकेट है, तो इसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था। ये पैकेट में था, ये बाकी ऊपर मैंने लेके ऊपर से मैं वो क्रश कर ली है, थोड़ी थोड़ी छोटे पीस कर ली हैं। ये तकरीबन 6 या 7 इलायची हैं, छोटी छोटी हैं। इनको हल्का सा इसमें जो है गर्म करेंगे, बिल्कुल हल्का सा, कि जैसे ये ऑयल गर्म होता है तो साथ ही हम जो है इसमें सेवियों को थोड़ा सा डाल के तो इनको फ्राई करेंगे। ये ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम सेवियां डाल देंगे। इनको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, बहुत हल्की आंच नहीं रखनी और ना ही बहुत तेज़ आंच रखनी है, दरमियानी आंच पे हम इनको फ्राई करेंगे। अगर थोड़ा सा आप इसको साथ तोड़ना भी चाहते हैं तो तोड़ लें, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी नहीं करनी, क्योंकि जब ये पकेंगी तो ये खुद ही छोटे साइज़ में आ जाएंगी। इसको दो से तीन मिनट जो है ना वो लगेंगे, या 2.5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये फ्राई हो जाएंगी। अच्छा, ये हमारी सेवियाँ जो हैं ये ब्राउन हो चुकी हैं। ये देखिए, इनका कलर अच्छा सा कलर आ गया। इनको इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना आपने। ये तकरीबन 1.5 मिनट लगा है इसको फ्राई करने में, और फिर आप इसमें दूध डाल देंगे। ये आधा पैकेट सेवियों में मैंने तकरीबन ये 1.5 से 2 किलो दूध है, इसको उबाल आ जाएगा। तो फिर मैं देखती हूँ कि अगर मुझे और दूध डालना पड़े तो, बल्कि ये दूध कम लग रहा है, इसमें मैं 1/2 किलो और डालूँगी दूध। और वो इसलिए कि मेरे घर में जो है वो थोड़ी क्रीमी जो है ना वो पसंद की जाती हैं, तो वो एक्स्ट्रा मैं क्रीम या कोई ऐसी चीज़ नहीं डालती। मैं वो दूध की ही इसमें जो दूध को गाढ़ा करती हूँ कि उसी का ही वो खोया बने। तो इसमें हम थोड़ा सा दूध और डाल देंगे। ये फ्रीज हुआ हुआ दूध है, ये खुद ही इसमें घुल जाएगा। ये तकरीबन 1/2 kg के करीब है, तो ये जब इसको उबाल आएगा तो ये बर्फ जो है ये मेल्ट हो जाएगी। तो इसमें मैंने तकरीबन 2 से 2.5 किलो 2.25 किलो दूध के करीब मैंने डाला है, 2.25 किलो। तो इसको उबाल आएगा, फिर हम दरमियानी आंच पे इसको पकने देंगे। अच्छा, ये हमारे दूध को और सेवियां जो हमने ये डाला था, और इसको उबाल आ चुका है, और सेवियां भी तकरीबन काफ़ी हद तक जो है वो गलने के करीब हो चुकी हैं। तो अब हम इसको दरमियानी आंच पे रख लेंगे ताकि ये इसका खुश्क हो जाए दूध थोड़ा, और ये बिल्कुल एक खीर की फॉर्म में जो है ना, इसका वो इसकी लुक जो है वो एक खीर की तरह सामने आ जाएगी। तो इसको हम अभी ना इसमें चीनी डाली है, ना इसमें कोई नमक डाला है, सिर्फ इलायची डाली है, और उसको भून के तो हमने इसमें डाल दिया है 2 से 2.25 किलो दूध डाला है। इसको अब हम रखेंगे दरमियानी आंच पे, ये दरमियानी आंच पे पकता रहेगा, बीच बीच में हम इसको हिलाते रहेंगे कि ये लग ना जाए। तो जैसे ही फिर ये दूध खुश्क होगा, 15 से 20 मिनट या 12 मिनट लगेंगे इसको, ज़्यादा से ज़्यादा 12-15 मिनट लगेंगे, तो उतनी देर में हम बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे जब तक कि ये पूरा, हमें जितनी इसकी थिकनेस चाहिए उतनी आ नहीं जाती। अच्छा, ये तकरीबन इसको 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए, और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका दूध काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो चुका है, और ये मिक्स भी हो चुकी हैं सेवियाँ इसमें, लेकिन अभी पतली हैं थोड़ी। तो जब आधा दूध इसका, आधे से ज़्यादा दूध इसका ड्राई हो जाए इसमें, इसी में सूख जाए, तो ये आप, ये ऑप्शनल है, क्योंकि हमारे घर में थोड़ी क्रीमी इस्तेमाल की खाई जाती हैं, वो पसंद की जाती हैं। तो ये मैंने मलाई इसमें डाली है, ये आम फ्रेश दूध की मलाई है, वो दूसरी पैकेट वाली नहीं है ये। तो इसको थोड़ी देर पकाएंगे, ये घुल जाए इसमें, तो साथ ही हम जो है इसमें चीनी डाल देंगे।
तो चीनी तकरीबन आप चीज़ के हिसाब से डालें कि जितना आपने दूध लिया है या जितनी सेवियाँ आपने ली हैं। मैं फ़िलहाल इसमें 3 चम्मच ये डाल रही हूँ चीनी के, ये सालन वाला चम्मच है, तो 3 चम्मच डाल रही हूँ। फिर इसको चख लेंगे तो उतने में ये मलाई जो है ये भी इसमें मैश हो जाएगी, तो फिर हम इसमें जो है वो आगे और चीनी डाल लेंगे। ये इतनी देर में हो भी जाएगी ड्राई। अभी ये मज़ीद इसको 10-15 मिनट लगेंगे हल्की आंच पे। आंच हमने वही रखी है मीडियम, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है ना बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ ये कि हल्के हल्के जो है ना वो बबल इसको आते रहें। तो ये इसको करके तो इसमें फिर जब ये सारी घुल जाएगी मलाई तो आपने फिर इसमें नमक डालना। अच्छा, ये हमारी जो है वो थिक हो चुकी है पूरी, ये आपको नज़र आ रही होंगी। तो इसमें थोड़ी सी चीनी मैं और डालूंगी क्योंकि चीनी कम है। पहले हमने 3 चम्मच डाले थे, अभी तकरीबन मैंने आधा चम्मच और डाला है। और जब ये इस फॉर्म में आ जाए, ये इतनी थिकनेस हो जाए कि ये तैयार हो जाए, ये तैयार ही तकरीबन हो गई है, तब हमने इसमें ये अभी हमने तकरीबन 2.25 किलो 2.5 किलो के करीब दूध डाला था, तो इसमें हमने ये 1/2 टीस्पून नमक की डालनी है। इससे क्या होगा कि चीनी का जो एक टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा खुल के आपको आता है, यानी कि खुल के सामने आ जाता है, ज़्यादा मज़े का लगता है, वो बिल्कुल मीठा मीठा नहीं लगता, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। कुछ चीज़ें हैं मीठी जिनमें नमक पड़ता है, जैसे खीर में, गजरेले में और सेवइयों में, बाकी किसी मीठे में तो वो नहीं इतना पड़ता नमक, लेकिन ये है कि इनमें अगर आप नमक डालें तो ये काफ़ी ज़्यादा इसकी चीनी को जो है ना वो इन्हेंस करता है नमक जो है। तो अगर आप इस स्टेज पे थोड़ा सा वो डाल लें मिल्क पाउडर, खुश्क मिल्क पाउडर अगर है डालना चाहते हैं डाल दें, अगर आपको यही थिकनेस चाहिए तो ज़रूरी नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो ये मैं इसमें 1 चम्मच तकरीबन 1.25 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ, तो इससे ये है कि इसका मज़ीद जो बिल्कुल वो बाज़ार में यानी कि वो कुंडे में वो सेवियाँ देते हैं ना उस जैसा इसका टेस्ट आ जाएगा। इसको डालने का मकसद सिर्फ ये है, ये कोई भी मिल्क पाउडर आप ले सकते हैं किसी भी कंपनी का। तो ये बस मज़ीद 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे और अब हम इसको हलाते रहेंगे, अब इसको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये फिर लगने का डर है। किनारे साथ साथ साफ करते जाएँ, जैसे ये दूध मेल्ट हो जाए जो हमने ड्राई मिल्क डाला है, तो ये सेवइयाँ हमारी तकरीबन तैयार हो गई हैं। इसको हम 1 से 2 मिनट बस और पकाएंगे। अच्छा, ये हमारी सेवइयाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, वो जो हमने ड्राई मिल्क डाला था वो भी रेडी हो चुका है। इसको 2 मिनट लगे हैं बस ड्राई मिल्क डालने के बाद ना, तो अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और थोड़ा सा खुशबू के लिए हम इसमें चंद कतरे इसके कौड़े के डालेंगे और इसको डिश में निकाल देंगे। तो ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से, चूल्हा हमने बंद कर दिया क्योंकि जब केवड़ा डालें तो चूल्हा बंद कर दें। तो ये हमारी थिक भी हो चुकी हैं और इनको अब हम जो है वो इनकी ये देख लें, इनको हम जो है ना वो डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करके तो ऊपर आप गार्निश कर सकते हैं बादाम से, पिस्ते से और चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं। इसको डिश आउट करते हैं, नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।